जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कहने सुनने को तो बहुत कुछ सबके मन के अंदर है, किंतु भावों की भिन्नता से व्यक्ति व्यक्ति में अंतर है। एक बात में सभी समान है, पूंजीपति हो या दीन दुखी, जीवन सबका वही दरिया है और इच्छा सबकी समंदर समान है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सुखमय जीवन तभी जब अपनी इच्छाओं को रखे सीमित पाना हो, यदि किसी से कुछ तो शब्द स्वयं का रखे विनित होता प्रेम व्यवहार आवश्यक प्राणी का। हर प्राणी से प्राप्त भाग्य से हुआ मानव तन मानवता को रखे जीवित। संकल्पों पर ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वह आपके ही सूक्ष्म शरीर का हिस्सा बन जाता है और आपके साथ चलता रहता है इस जन्म में और अगले जन्म में भी। शिकायत करनी है तो अपने प्रभु से करें, रोना है तो उनके सामने रोएं। किसी और से शिकायत करके क्या फायदा, वो तो पहले सुन लेगा फिर सलाह देगा, नहीं सुनी तो आपका मजाक ही उड़ाएगा। जबकि आपका प्रभु आपकी हर शिकायत सुनता है, वो हल भी करता है, आपको शक्ति भी वही देता है, आपका मजाक कभी भी नहीं बनाता और नहीं उड़ाता। इसलिए हर दुख दर्द शिकायत तकलीफ का इलाज है आपका परमात्मा प्रभु, जिन्हें आप मानते हो। अपने भरोसे के साथ उन्हें दिल से याद करें, उनका नित्य नाम सुमिरन करें। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है, जीवन भी यही है। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो ये दुनिया मतलब से चलती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जब तक मंजिल न मिले तब तक हिम्मत न हारो और न ठहरो, क्योंकि बाहर से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती है, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी छिल जाते हैं, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर न आगे वाले को अभिमान है न पीछे वाले को पछतावा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पलभर में बदलने वाला है, और इसी को जिंदगी कहते हैं। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ कर न गुजरे बल्कि दिलों से होकर गुजरे। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करती है। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को वश में रखिए वह आपके शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखिए वह आपके कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए वह आपकी आदत बनेगी, आदतों को वश में रखिए वह आपके चरित्र बनेंगे, और चरित्र को वश में रखिए वह आपका भाग्य बनेगा। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बोलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया ही जाता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो
परंतु मुंह पर मीठी मीठी बातें करता हो ऐसे मित्र से दूर ही रहना ठीक है, या वैसा ही है जैसे किसी घरे में गले तक विष भरा हो किंतु मुंह पर थोड़ा दूध डाल दिया गया हो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसके मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है, या आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए, पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जो समस्या आए तो निराश मत होना, क्योंकि उसका अंत आपकी उम्मीदों से भी सुंदर हो सकता है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या प्रजा, वह सबसे ज्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। क्या खूब लिखा किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से कम को बुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। ये राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो।